News 24. Think first. पिछले 30 सालों से मीडिया की दुनिया में एक अलग छाप छोड़ने वाली टेलीविजन और पत्रकारिता की दुनिया में महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक और फूड एंड ट्रैवल शोज की पायनियर आज हमारे साथ सेहत की रसोई में है बैक फिल्म्स नेटवर्क की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती अनुराधा प्रसाद शुक्ला, जिनसे हम कायस्ट क्विजीन की बात करेंगे. Welcome to the show, Radha ji. Thank you, Gitikka. Thank you so much for having me here. No, ma'am. Yes, so happy to have you. I remember here. The Zaike ka Safar days. Yes. How yes. A food and a travel. किस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया था food और travel show को? जी जी. जब उस समय हमने ये बात की थी ZTV के उन लोगों से कि हम ऐसा करना चाहते, तो उन्होंने बोला था आप कर लोगे क्या? तो मैंने कहा मेरे लिए तो जिंदगी हर दिन एक चैलेंज होती है. उस समय कुछ 20 साल पहले 25 साल पहले यू वर अ यंग किड जिसे कह सकते हैं, तो उछलती कूदती हुई गीतिका होती थी. लेकिन बड़ा मजेदार जायके के सफर के साथ साथ इस ये सफर भी बहुत ही मजेदार रहा. तो एंड आपने जो एक शुरुआत करी फूड एंड ट्रैवल शोज की, उसके बाद देखिए ना कितने सारे फूड एंड ट्रैवल शोज बने हैं. और आज भी जो हम ये न्यूज 24 का शो बना रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी आई थिंक येट अनदर पायनियरिंग स्टेप इन फूड, यू नो, फूड एंड ट्रैवल शोज ऑन न्यूज टेलीविजन. बिल्कुल सही है. इसलिए गीतिका, क्योंकि बात क्या है ना कि फूड इंडिया का एक इनहेरेंट जी एस्पेक्ट है. डेफिनेटली इन्वेडर्स आए, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत कुछ लेके आए. और यू नो इंडियंस का ये इनहेरेंट कैरेक्टर है कि वो हर चीज को अपने साथ जैसे कहते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, आत्मसात करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो आज की डेट में वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाइए, जो वैरायटी ऑफ इंडियन कुजीन है कहीं नहीं मिलेगी, वो कहीं नहीं आपको मिलेगी. दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. ओके, सो अनुराधा जी, आज आप कुछ बना के हमारे लिए. जी जरूर जरूर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो कास्ट, जो यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है. तो कास्टों का कैरेक्टर जो रहा है ना गीतिका, वो इस तरीके का रहा है कि कास्ट बोले जाते थे जो राजा महाराजा जो होते थे उनके मुनीम होते थे. कास्टों को क्यूजीन को कहा जाता है कि वो मुस्लिम या मुगल कुजीन के बहुत करीब है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं. और वैसे मैं लेकिन कायस्थों में भी बिहार के कायस्थ या बिहार का जो पूरा ट्रेडिशन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ एसिमिलेट कर लिया गया. तो वहाँ पे एक चीज होती है, उसे कहा जाता है घुगनी. घुगनी मैंने सुना है. हाँ, सुना है. और घुगनी जो होती है ना, वो ऐसी चीज है कि उसमें एक पूरा सब्सटेंस है. उसमें प्रोटीन है, उसमें एनर्जी है. और आप अगर उसे सुबह खा लेंगे तो आप फुल रहेंगे, शाम को खा लेंगे तो भी आपको शायद डिनर खाने की जरूरत नहीं होगी. घुगनी जो है वो बिहार का एक स्टेपल डाइट है. अच्छा, ओके. और उसे बनाना भी बहुत सहज है, बहुत ईजी है. हरे चने से बना लीजिए, लाल चने से बना लीजिए, मटर से बना लीजिए. आप जो है उसे सुबह में लाइक स्प्राउट के साथ, उस तरीके की चीजों के साथ बना सकते हैं. एक घुगनी आप बना सकते हैं सब्जी की तरीके से, जिसमें आप बिल्कुल प्याज लहसुन और अदरक वाला मसाला डाल के. एक घुगनी बनती है जिसे आप पराठा रोटी किसी के साथ खा सकते हैं. एक घुगनी बनती है जो कि जिसमें कि जिसे आप चिवड़ा के साथ खाते हैं. अच्छा. वो बिहार का बड़ा स्टेपल चीज. अच्छा. है. शाम का नाश्ता घरों में हरे चने, और खास करके विंटर्स में हरा चना आता है फ्रेश, तो उसकी आप घुगनी बनाते हैं. और उसके साथ चिवड़ा को आप या तो बेक करते हैं या तल लेते हैं उसको, और उसके साथ आप उसको खाते हैं. तो आज आप क्या बना रही हैं? मैं आपको एक मिक्स्ड घुगनी बना रही हूँ. चना है जी, और ये आपने हरा चना मंगाया है, वेरी नाइस जी. प्याज है, मिर्ची है, लहसुन है, टमाटर है, जीरा है, हींग है. और हींग इसलिए डालते हैं कि हींग डालने से जो उसमें जो गैस गैस्ट्रिक प्रवृत्ति होती है चने की वजह से अच्छा, तो हैवीनेस होता है उसे वो निकाल देता है उसे तो इसलिए हींग बहुत जरूरी होता है चने के साथ. और ये जीरा है, हल्दी नमक तो है ही है. और मैम ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे टमाटर और प्याज कटा हुआ, ये मैंने मेहनत करके नहीं काटा है,
ये हमारे पास सन फ्लेम का एक चॉपर है. अच्छा, सो जस्ट लाइक 30 सेकंड में खट 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 खट. बिल्कुल. और मैम जो आप हींग देख रही हैं वो बहुत ही लज्जतदार हींग है, गोल्डी मसालों की बनाई हुई. एक और बात आपको बताऊं कि घुघनी में आप ऑयल का प्रयोग कम करते हैं. अच्छा, ओके ओके. क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए. ओके ओके. तो ये हमने डाला थोड़ा सा ऑयल. ठीक है, आज हम यूज कर रहे हैं फॉर्चून का सोया हेल्थ सोयाबीन ऑयल जो ओडरलेस है, इसीलिए वो आपके फ्लेवर में इंटरफेयर नहीं करेगा. तो बिल्कुल बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं. ओके, और ये गरम हो गया. ये डाला हमने जीरा जिसे फोड़न कहते हैं. कोई कनेक्शन है पांच फोरन से मैम? बिल्कुल बिल्कुल. पांच फोरन जो होता है छौकी होता है. okay. तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है जीरा, अजवैन, अजवैन, कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ. राइट. उसके बाद हमने डाला थोड़ी सी हींग, उसके बाद प्याज. उसके बाद आपने डाला हरी मिर्च और फिर डाला ये हरा चना. अब इसे आप इसे मिलाएंगे थोड़ी हल्दी. हाँ, हल्दी अगेन यू नो इट हैज अ वेरी मेडिसिनल वैल्यू फॉर एवरी फूड. आपको पता ही होगा मैं नमक हमेशा 3 times में डालती हूँ. अच्छा. आपको मैं एक बताती हूँ. पहले मैं थोड़ा डालूंगी, फिर मैं और थोड़ा डालूंगी, फिर मैं और थोड़ा डालूंगी. मुझे लगता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यू नो कम होगा नमक तो आप डाल लेंगे, पर ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे? जी. बिल्कुल. अब फाइनली जो है हम इसमें टमाटर डाल देते हैं. और अगर वो लाल चना है तो उसमें आपको पानी देंगे, उसको स्टीम करना पड़ेगा थोड़ा सा. अच्छा, ओके. यू नो, क्योंकि वो कड़ा होता है थोड़ा. जी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा में पानी डाल सकते हैं. हम यूज कर रहे हैं केंटारो का सबसे शुद्ध पानी. जी, केंटारो का पानी तो आजकल हर घर में है. जी बिल्कुल, हर घर में है, क्योंकि हर जगह वो आरओ सिस्टम जो है वो उनका ही लगा होता है. थोड़ा सा इसको ढक देंगे एंड आप कह रही हैं 4-5 मिनट आप इसे गैस पे रहने देंगे. हाँ, ये बिल्कुल घुगनी तैयार है. ओके, खाइए और मौज लीजिए. बिहार में से चूड़ा बोलते हैं, अदरवाइज चिवड़ा बोलते हैं. ये तैयार है. इसके ऊपर आपने रख लिया, इसको आपने मिक्स किया, इसे आप खा सकते हैं. मतलब घुगनी एक और जायका अनेक. ये घुगनी तैयार है, बिहारी कायस घुगनी. तो नंबर तो आप ही देंगी. मुझे पता है कि मुझे डिस्टिंक्शन आना है, लेकिन नंबर तो आप ही देंगी, मैं नहीं दे सकती नंबर. ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है जब मैम को नंबर देने का हमें मौका मिलता है. ओके, लेट्स ट्राई दिस. ओके, हियर वी गो. 3, 2, 1. नंबर है 100 out of 100. इट्स गुड, क्रंची एंड गुड, टेस्टी एंड एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट. तो ये हो गई घुगनी. जी, ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, आपने हमारे लिए आज ही घुगनी बनाई. जब भी आप खाना बनाएं तो खुश जरूर रहें. जी, बिकॉज वो जो खुशी होती है ना वो खाने में झलकती है. जी बिल्कुल. तो अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो जो आप बनाएंगे उसे जो खाएगा वो फुल्ली सैटिस्फाइड होगा. जी, दैट्स ट्रू. तो इस तरीके से आपको खाना जो बनाना चाहिए हंसते हुए, खेलते हुए, क्विक. वंडरफुल. मैंने कहा था ना, नहीं, थैंक यू सो मच. थैंक यू गीतिका फॉर हैविंग मी हियर. हिंदुस्तान के अनेक भोजन के तरीके में खास कायस्थ जायके, जिसमें बेशक नॉन वेजिटेरियन डिशेस बहुत अहम जगह रखते हैं, लेकिन आज की हमारी चना घुगनी जो बिहार बंगाल की खास है अपने चटपटे स्वाद से एक छाप छोड़ जाती है. मैं जब तक इसका पूरा स्वाद उठाऊं, आप देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप. द रिलायंस फ्रेश रिकैप. We'll be right back.
हमारा शो सेहत की रसोई है न्यूट्रिशन से पाप पैक्ट। उसी तरह आज का ये एपिसोड भी था पाप एक्ट। जाने से पहले आप लोग देखिए रेसिपी ऑफ द डे विनर कौन है, ऋतु श्रीवास्तव, और उन्हें मिलता है फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की तरफ से ₹1,000 का गिफ्ट वाउचर। टेस्ट में हिट और हेल्थ में रहे फिट। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहे कैन प्रेजेंट्स सेहत की रसोई। नमस्कार, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।